IPHI YouTube चैनल में आपका स्वागत है। IPHI आपका आभारी है लगातार हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए। मैं एकता आज आपको इस वीडियो में डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कोर्स दो लेवल में आप कर सकते हैं, डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा कोर्स आपका 2 ईयर्स का होता है और इसमें आपको 12th विद एनी स्ट्रीम एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। सेकेंड आपका लेवल है बैचलर्स। BSc डायलिसिस आप कर सकते हैं, 3 ईयर्स का कोर्स है। इसमें आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपका 12th विद साइंस स्ट्रीम। इस कोर्स को करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स होता क्या है। मैं आपको ये बताती हूँ, जिन पेशेंट्स का किडनी का कोई भी प्रॉब्लम या किडनी काम करना बंद कर देती है, उन पेशेंट्स को हम डायलिसिस के लिए लेकर जाते हैं। डायलिसिस आप डायलिसिस मशीन की हेल्प से करते हैं। इसमें आप पूरे कोर्स में आपको जानकारी दी जाएगी, डायलिसिस मशीन कैसे चलाते हैं, किडनी कैसी दिखती है, क्या उसमें बीमारियां होती हैं, क्या उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप डायलिसिस पेशेंट की केयर करेंगे, ये सारी जानकारी आपको कोर्स के दौरान बताई जाएगी। साथ ही साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी पेशेंट केयर करने के लिए। डायलिसिस टेक्नीशियन एक बहुत अच्छा कोर्स है। आप इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो इसमें जॉब का स्कोप आपको बहुत ज़्यादा है। इस टाइम मार्केट में डायलिसिस टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आप आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो, अगर आप स्कोप के बारे में आगे जानना चाहते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कोप के बारे में जानकारी दूंगी। इसके लिए आप IPHI YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।